गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का साइंस लेसन फर्स्ट, सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड का लास्ट टॉपिक है फूड चैन, भोजन चक्र। भोजन का चक्र कैसे चलता है, देखिए। यहाँ फूड यहाँ लिखा गया, बोर्ड बनाया गया चित्र। प्लांट्स, प्लांट्स ईटन बाई ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर ईटन बाई फ्रॉग, फ्रॉग ईटन बाई स्नेक, स्नेक ईटन बाई ईगल। पौधे, शुरुआती बेसिक जो होता है पौधे, पौधे को कौन खाता है, टिड्डे। प्रथम होता है टिड्डा, यानी छोटे कीड़े मकोड़े। इन छोटे कीड़े मकोड़े को मेढक खाते हैं, मेढक को स्नेक खाता है, और स्नेक को बाज चील खा जाते हैं। इसी चक्र को क्या बोलते हैं, गोल्डन चक्र। ग्रासहॉपर ईटन एग्री प्लांट्स, जो ग्रासहॉपर होता है वो क्या होता है, हरे पौधे को खाता है। ये फ्रॉग इट्स द ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को मेढक खा जाता है। द फ्रॉग ईटन बाय स्नेक, और मेढक सांप के द्वारा खाया जाता है। एंड द स्नेक इज ईटन बाय ईगल, और इस स्नेक होता है वो ईगल के द्वारा खाया जाता है। दिस चैन इज इवेंट इज कॉल्ड फूड चैन। इस चैन को क्या ही बोलते हैं, इसी चैन को बोलते हैं फूड चैन। ए फूड चैन सो इच लिविंग थिंग्स गेट्स इट्स फूड एंड पार्टिकुलर एनवायरमेंट। ये फूड चैन क्या होता है, पर्यावरण में जीवित प्राणी के द्वारा पार्टिकुलर क्रिया है। द स्टडी एज फूड चैन ऑल्सो सोन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन दिस एनवायरमेंट। जो फूड चैन की स्टडी है हमारे वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण है। इन ए ग्रास लैंड द फॉलोइंग फूड चैन एग्जिस्ट, ग्रास, जेब्रा, जेब्रा लायन। मतलब घास को जेब्रा खाता है और जेब्रा को लायन खा जाता है। ए टिपिकल फूड इन द पॉन्ड, और तालाब में स्मॉल प्लांट्स ईटन बाय स्मॉल फिश। जो पानी में जो पौधे होते हैं उसको मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियाँ, और छोटी मछलियों को लार्ज फिश, बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। यानी ये पानी का भोजन चक्र होता है पानी में। द ऑल फूड चैन बिगिन फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। जितने भी भोजन चक्र होते हैं सब हरे पौधों से ही स्टार्ट होते हैं। इट मीन दैट ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस तरह से पता चलता है कि जितने भी जानवर हैं या जीव हैं डायरेक्टली वो क्या है, पौधों पर ही निर्भर है। इस तरह से हमारा क्या होता है, फर्स्ट लेसन समाप्त होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।